मैं इस वक्त मौजूद हूँ नक्सल प्रभावित इलाका सिंगारम, जहाँ पे आम आदमी का आना भी खतरे से खाली नहीं है। लगातार हमारा जो सफर है, मुख्यालय से लगभग 200 किलोमीटर का सफर तय कर हम यहाँ पहुँचे हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे नक्सली जो है वो स्कूलों का विरोध करते हैं तो झोपड़ियों के माध्यम से यहाँ पे शालाएँ लगती है, और ये सिंगारम का ग्राम पंचायत सिंगारम जो प्राथमिक शाला है, यहाँ पे जो है 50 बच्चे जो है वो अध्ययन रहते हैं। आपको दिखाना चाहूँगा, बच्चे की जो जनसंख्या है वो ज़्यादा होने के कारण यहाँ पे दूसरा जो है वो झोपड़ी बना करके यहाँ पे शिक्षा दूत जो है वो यहाँ पे बच्चों को शिक्षा देते हैं। आप समय ऐसा था जो बच्चे स्कूल नहीं होने के वजह से जो है वो शिक्षा से दूर थे, लेकिन आज जो है यहाँ गांव के जो शिक्षा दूत है वो उनसे बात करेंगे, बच्चे भी यहीं पे दिख रहे हैं और लगा रोजाना जो है वो स्कूल लगता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मड़कम सुमड़ा है। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हो आप? बेंजलवाई का। अच्छा, आप प्रॉपर यहीं सिंगारम में रहते हो? तो आप यहीं रहते हो? यस सर। तो आपकी नियुक्ति कहाँ, किस में हुई है? शिक्षा दूत के नाम से। कितने साल हो गए? ये पांचवा साल चल रहा है। पांचवा साल। तो कितने बच्चे हैं आपके प्राथमिक शाला में? यहाँ 50 है सर। 50 है जी। तो कौन कौन से कक्षाएं लगती है यहाँ? पहली से लेकर पांचवी तक लगती है। रास्ता बहुत दूर है मुख्यालय से, किताबें लाना, मध्याह्न भोजन लाना, बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता होगा, फिर भी आप कैसा प्रयास कर रहे हैं? सर, हम लोग कभी कभी गांव वालों से हेल्प लेते हैं, या गांव वालों से नहीं आते तो बड़े बड़े बच्चे लोग से थोड़ा आधा आधा रास्ता से थोड़ा थोड़ा लेके आते हैं। अच्छा, और कितने बच्चे हैं आपके यहाँ पे? कितने बच्चे उपस्थित है जो रोजाना आते हैं? दर संख्या कितनी है? 50 है सर। 50 है, तो रोज 50 लोग रोज आते हैं? 42-43 है सर। अच्छा, सिंगावरम इलाके के ही आते हैं कि और अगल बगल के कोई और? सर, यहाँ से थोड़ा 1 किलोमीटर जवेली है, जवेली से भी आते हैं, 2 गांव के बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। सुकमा जिले के नक्सल प्रभावित इलाके में जो शिक्षा दूत है वो बेहतर कार्य करते नजर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं जिला प्रशासन का जो प्रयास है वो इस इलाके में सफल होते नजर आ रहा है। कैमरा पर्सन गौरव कुमार पिल्ले के साथ स्वराज एक्सप्रेस के लिए ओलम नागिन गाराम। छत्तीसगढ़ की हर छोटी बड़ी खबर से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए CG स्वराज।